आज की यह भी वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की होने वाली है, जिसको इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं शारीरिक शिक्षा एवं योग, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े सारे क्वेश्चन और आंसर होंगे। ये जो पेपर होगा ये आपका OMR सीट पे होगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे MCQ आते हैं। आप सभी को मालूम है हालांकि हर सेमेस्टर में आपको करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देते ही देते हैं। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे यानी क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, ठीक है, तो उसको अपने फैट को कंट्रोल करना है, मोटापे को कंट्रोल करना है, फिर नियमित रखना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, इन ऑप्शनों में से क्या अपने खाने में उसको यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखना है अपने आहार खाने में, ठीक है, यूज करना चाहिए उसको, फल खाना चाहिए उसको, हरी सब्जियां खानी चाहिए, रफ़ेदार, ठीक है, रफ़ेदार पदार्थ खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को यूज करना चाहिए अगर कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके आहार में होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि निम्न में से मोटापे के प्रबंधन का उपाय बताइए, मतलब कि अगर आपको मोटापा कंट्रोल करना है तो उसके लिए प्रबंध क्या की कौन सा ऑप्शन है जो उसका उपाय है, या फिर आप मोटापे का प्रबंधन करना चाह रहे, प्रबंध लगाना चाह रहे कि मोटापा ना बढ़े, तो उसके लिए आपके पास उपाय कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे आपको व्यायाम करना चाहिए यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए पर डे वो भी, ठीक है, और साथ साथ में आपको कम कैलोरी युक्त वाला खाना जो भी हो उसको खाना चाहिए, कोई भी पदार्थ, और साथ साथ में आपको लंबाई, आयु तथा लिंग के अनुसार वजन बनाए रखना चाहिए, मतलब कि जिस हिसाब से आयु है, जिस मतलब कि जिस हिसाब से आपकी उम्र है, जिस हिसाब से आप स्त्री हैं पुरुष हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने वजन को बनाए रखना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मोटापे के लिए, और मोटापे के प्रबंधन के लिए ये बहुत बड़े उपाय हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपने शरीर पिक वर्क करना है, तब आपको सफलता मिलेगी यानी कि आपको मोटापे से कंट्रोल मिलेगा। द नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में कितने कक्ष होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, शरीर में कक्षों की संख्या होती है 4, ध्यान रखेंगे। अगला है कि वजन घटाने में सहायता करने के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह कितने समय की शारीरिक प्रक्रियाओं का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कितने समय आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसमें दिए गए जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपको अधिकांश दिनों में 30 मिनट आपको कम से कम एक्सरसाइज यानी कि आपका जो व्यायाम है वो करना चाहिए, ठीक है। अगला कि वजन का बढ़ना किससे प्रभावित होता है। तो वजन का जो बढ़ना है, ध्यान रखेंगे आप जान लीजिए, वजन का बढ़ना जो प्रभावित होता है वो होता है आपके कुल दैनिक कैलोरी सेवन से, यानी कि आप कितना से कैलोरी सेवन आप मतलब कैलोरी आपको मिल रही है पर डे आपके शरीर को, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु तो व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करना करने के लिए सलाह दी जाती है, यानी कि कोई भी डॉक्टर हो या फिर कोई भी आपको योगा का टीचर हो तो यही आपको प्रेफर करेगा, फिर बताएगा कि आपको पर डे व्यायाम करना चाहिए। तो पर डे तो व्यायाम करते हैं, लेकिन एक जो विद्वानों का या फिर जो योगा टीचर होते हैं उन्होंने किस सलाह के अनुसार आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ समय भी बताई है उन्होंने, ठीक है। तो कम से कम आप सभी को 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा सा नंबर। अगला है कि अवसाद के क्या लक्षण हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन क्वेश्चन है तो उत्तर जान लीजिए, ठीक है। अवसाद के जो लक्षण हैं वो हैं उपरोक्त में से सभी, ऊर्जा की कमी होना, नफीली औषधियों यानी नफीली दवाओं का उपयोग करना, आशावाद की भावना, ये सभी अवसाद के लक्षण हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, द नंबर। अगला है कि संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है, यानी कि आपको कोई संक्रमक हो जाता है, कोई रोग हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है, ठीक है। संक्रमक रोगों का जो मुख्य कारण है, ध्यान रखना है, वो आपका है दूषित भोजन करेंगे और दूषित हवा अगर आपको मिलेगी, यानी कि जहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, किसी फैक्ट्री पे धुआं निकल रहा है, कहीं भट्ठे पे धुआं निकल रहा है, कहीं साधनों से धुआं निकल रहा है, तो वो आपको दूषित कर रहा है, साथ साथ में आप दूषित भोजन कर रहे थे, ये सब आपको संक्रमण रोग के मुख्य कारण के द्वारा बहुत जल्दी से आपको संक्रमण
रोग हो जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा और बा, क्योंकि ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि एक दिन में कम कितना पानी पीना चाहिए। तो इस समय गर्मी है तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है ना कि आपका जो शरीर है, जो आपकी एनर्जी वो मेंटेन रहती है, प्लस आपको बहुत कम जो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पानी की कमी से बीमारियां हो जाती हैं, तो वो आपको नहीं होंगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर था, 7 से 8 गिलास कम से कम आपको पानी पीना चाहिए। मतलब कि जो आपका गिलास होता है घर का पानी पीने वाला बड़ा गिलास, उसके बराबर। ठीक है, क्योंकि अगर आप कम पानी पियेंगे ना तो आपको एक तो बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और एक कॉमन बीमारी जिसका नाम पथरी स्टोन जिसको बोलते हैं, ये आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको डॉक्टर सलाह यही देंगे कि आपको जितना पानी हो सके उतना पीजिए। ठीक है, तो ये आप पहले से ही करते रहिए ताकि आपको कोई बीमारी ना आए। हमारे खुद पर्सनली मेरे पथरी स्टोन है तो मुझको काफ़ी समस्या हुई थी, तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली लेकिन किसी से ज़्यादा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे ही पानी ज़्यादा पीने का प्रयास किया, पानी ज़्यादा पिया मैंने लगा, मतलब कि कुछ ही घंटे डेढ़ दो घंटे पे या फिर 3 घंटे पे पानी पीता गया और काफ़ी दिन तक ये फॉलो किया कंटिन्यू, तो अब मुझको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा और थोड़ी दवा भी की थी। ठीक है, जो कि जड़ी बूटी वाली है तो उससे आराम रिलैक्स फील हुआ था। तो फिलहाल इतना तो आपको पीना चाहिए। मैं खुद ही बहुत पानी पीता हूँ उस समय, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए गर्मी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन बता रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि मोटे व्यक्ति के आहार में यानी खाने में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए अगर वो मोटा व्यक्ति है, तो कैलोरी की मात्रा कम करनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, 1000 कैलोरी कम करनी चाहिए। अगला है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का आवास होता है, ये किसने कहा है। मतलब कि एक अच्छा शरीर है तो उसमें अच्छा ही दिमाग रहेगा, ये जो कहा है एक प्रमुख विद्वान है, उनका नाम है अरस्तू, जो कि बहुत ही प्रमुख विद्वान है, इन्होंने बात कही है और ये सही भी है। स्वास्थ्य का संबंध किससे है, तो ध्यान रखेंगे जो स्वास्थ्य का जो संबंध है आप सभी को मालूम ही होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, शरीर के निरोगता से है। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा अगर आपके शरीर के बारे में अच्छे जानकारी है और अच्छे एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो आपका एक जो बॉडी है, शरीर वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है, तो ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य यानी आपके हेल्थ के लिए जो अच्छा पोषण है वो इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, शारीरिक विकास के लिए अगर आप विकास अगर आपका हो तो आप अच्छा पोषण लेंगे तभी विकास होगा। अगला है कि स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो आपके जो हेल्थ है उसको जो प्रभावित करने वाला एलिमेंट्स यानी तत्व है वो आपकी अच्छी आदतें भी हैं, पौष्टिक भोजन भी है, उचित आसन भी है, इसलिए सभी जवाब हो जाएगा द नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सभी तत्व जो हैं आपके जो आपका हेल्थ है उसको प्रभावित करते हैं, सही जवाब द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ व्यक्ति यानी कि एक अच्छा इंसान जो है उसकी क्या विशेषता नहीं होती है इन ऑप्शनों में से, तो उसके अंदर इनमें से जो एक विशेषता नहीं होती है वो होती है अस्थूल शरीर। ठीक है, और बाकी सभी होती हैं। अगला प्रश्न है कि धन प्रथम स्वास्थ्य है, ये कथन किसका है, तो धन प्रथम यानी कि आपका जो धन है वो आपका शरीर है, आपका हेल्थ है। ठीक है, ये कथन जो है वो किसने कहा है, तो ये जो कथन है वो कहा गया है, ध्यान रखेंगे प्रमुख विद्वान जिनका नाम है ठीक है एम रसन के द्वारा बात कही गई है, सही जवाब सा हो जाएगा। अगला कि स्वास्थ्य में यानी कि हेल्थ में निद्रा की क्या भूमिका है, तो आपके हेल्थ में जो निद्रा यानी कि जो सोते हैं लोग, इसकी भूमिका जो है वो ये है कि थकान दूर करती है। ठीक है, तो आप थकान हो जाती तो नहीं जाती तो कंट्रोल हो जाती है, आप सभी को मालूम भी है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य व अस्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता, कौन सी चीज़ है जो स्वास्थ्य और अस्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है प्रेम। अगला है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, वो है अच्छी आदतें एवं भोजन और आराम एवं निद्रा। ठीक है, सा नंबर सही जवाब होगा क्योंकि ये दोनों सही हैं, इसलिए सा नंबर सही जवाब होगा।
इन प्रश्नों को तो हम आपको बता रहे हैं, इनके अलावा हम आपको एक बहुत ही तगड़ी और बेसिक और बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको पास कराने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है हम आपको आपको भी बताएंगे आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, ठीक है आप लोग। ओके, एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है या फिर एक अच्छे गुड हेल्थ की पहचान क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, छरहरा बदन, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग चमकीले बाल, ठीक है, ब्राइट कर रहे हो, ठीक है, सुदृढ़ मांसपेशी यानी कि स्ट्रॉन्ग मांसपेशियाँ जो होती हैं शरीर की। तो एक ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी एक अच्छे हेल्थ की यानी अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती हैं, तो इसलिए सही जवाब द हो जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें पहचान होती हैं। अगला है कि स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मनुष्य की शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति पात्र नहीं, स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि जिसको आप लोग WHO भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु यानी कि आपका जो अच्छा परफेक्ट जो हेल्थ रहे उसके लिए आवश्यक क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो चीज़ है इन ऑप्शनों में से उत्तम वो है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन, द नंबर होगा, क्योंकि आपके लिए संतुलित आहार यानी कि अच्छा खाना भी होना चाहिए, प्रदूषित रहित स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, घर का शांत व प्रसन्न वातावरण, तो ये सब एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अगला कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है? तो सकारात्मक जो स्वास्थ्य है वो आपका संज्ञात्मक संतुलन है, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण भी है, शारीरिक स्वस्थ की स्वस्थता भी है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा द नंबर, क्योंकि ये सब सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। अगला है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो ध्यान रखेंगे, एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो होती है कल्याण की भावना, चिंता से मुक्त, स्फूर्ति, द नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेल्थ दिवस यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, BMI, ठीक है। मोटापे का मुख्य कारण, तो ध्यान रखेंगे, मोटापे का जो मुख्य कारण है वो है अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन करना, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के अंदर चावल आ जाता है, ठीक है, तो अगर आप चावल खाते तो आपको मोटापा हो सकता है, हालांकि ऐसा ही नॉर्मल नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट और वसा की होती है, यानी जिस भी पोषक तत्वों में या फिर जिस भी खाने में खाने वाली चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, तो ये जब लेवल बढ़ जाता है तो आपको मोटापा आ जाता है, ठीक है, और बीमारी भी कई सारी हो जाती है जिसकी वजह से भी मोटापा आ जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला कौन सा रोग है? मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा जब अधिक हो जाता है बॉडी में तो इससे रोग भी हो जाता है, ठीक है, तो इससे जो रोग होता है वो होता है मोटापा, ठीक है, मोटापा हो जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ज़्यादा रहेगा तो ध्यान रखेंगे मोटापा होता है। क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण कौन सा है? ठीक है, तो मोटापे का जो मुख्य कारण वो आपको बताना, अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सही जवाब हो जाएगा आपका भोजन संबंधित आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, मतलब अगर आप लोग का जो भोजन करने का समय है या फिर भोजन संबंधित जो आपकी आदतें हैं, ये भी खा लेना, वो भी खा लेना, बार बार खाते रहना, ये भी आपका मुख्य कारण है। वंशानुक्रम का मतलब ये होगा कि आपके बाबा जी मोटे थे तो आपके पिताजी भी मोटे रहेंगे, आप भी मोटे रहेंगे, ये वंश के हिसाब से हो गया। और अगला जो कम शारीरिक परिश्रम, मतलब कि जो लोग कम मेहनत करते हैं, बैठे रहते कुर्सी पर, ठीक है, और खाते पीते रहते हैं और कम मेहनत करते हैं, फिर भाई ऑफिशियल लोग जो होते हैं उस कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, शारीरिक परिश्रम होता नहीं, तो इससे ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये सभी कारण है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है कि उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, ये आपको अत्यधिक भार में नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब आपको ज़्यादा वजन हो जाता तब इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, मोटापे से ग्रसित या फिर जो ग्रस्त होता है व्यक्ति, उसको आहार में क्या होना चाहिए उसके आहार में? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, फल सब्जियां। एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपको बताना है,
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम कैलोरी युक्त, क्या कम कैलोरी युक्त आपको आहार लेना चाहिए। अगला है कि निम्न में से भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है, कौन सी चीज़ अधिक मात्रा में ले सकता है अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं। तो आप लोग नींबू की शिकंजी भी ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी भी ले सकते हैं और सपरेटा दूध भी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं अगर आपको मोटापे ग्रसित है तो मोटापे से, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए, यानी कि मोटा व्यक्ति के खाने में क्या होना चाहिए, इन ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना है उसके आहार में खाने में फल सब्जियां फल आदि एवं तरल पदार्थ होने चाहिए, सही जवाब होगा आ नंबर। अगला है मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो मोटापे की व्याख्या करने के लिए इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, खाद्य पर्यावरण भी और शारीरिक क्रियाएं भी व्यक्तिगत मनोविज्ञान भी, ठीक है, सही जवाब उपयुक्त में से सभी होगा। अगला कि मोटापे से होने वाला रोग कौन सा है। तो मोटापे से होने वाला रोग का नाम बताइए, ठीक है, हालांकि कई सारे रोग होते हैं लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना होगा। तो इनमें से जो होता है हो जाएगा मधुमेह भी हो जाता है, हृदय रोग भी हो जाता है, वक्र भी हो जाता है, सही जवाब द हो जाएगा। अगला है कि मोटापा कम करने का उपाय। तो मोटापा कम करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो आप लोग कम मात्रा में कैलोरी युक्त वसा युक्त भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज और आपको व्यायाम करना चाहिए, गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना चाहिए और ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें करनी चाहिए, सब सही हैं, तो सही जवाब दा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी औषधि या दवा को स्वीकृत दी गई, मतलब यूरोप जो देश है, ठीक है, ये यूरोपियन जो देश हैं उसमें मोटापे के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सी दवाइयाँ का यूज किया जाता है, स्वीकृत की गई है, तो उसका नाम है आरलिस्टेड, ठीक है, आरलिस्टेड, ये आपके मोटापे के में कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगला कि मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो मोटापा जो है वो आपके एडिपोसिटी के कारण होता है, एडिपोसिटी के कारण बन नंबर सही जवाब। अगला मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परम सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो सकती है, ये आपको बताना है। तो ये हो सकती है करीब करीब 80-90% कम। अगला है कि मेसोमोर्फ क्या संदर्भित करता है। तो मेसोमोर्फ जो है वो आपको ये फरल से वजन बढ़ा, ठीक है, बढ़ाते व कम करते हैं, ठीक है, कौन मेसोमोर्फ जो है, ठीक है, मेसोमोर्फ जो है वो संदर्भित करता है आपका कि ये सरलता से वजन, ठीक है, सरलता से वजन बढ़ाते व कम करते हैं। अगला कि मोटापा खतरनाक है किस चीज़ के लिए। तो मोटापा खतरनाक है आपके मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, ठीक है, अर्थराइट्स के लिए, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा द नंबर। अगला है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या अर्जित है। तो मोटापे से ठीक है, मतलब कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो अर्जित है वो है केक पेस्ट्रीज मिठाई भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में आपको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खाना चाहिए, मक्खन घी भी ना खाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब कि मना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मोटापे का कारण बताइए। तो इन ऑप्शनों में से जो मोटापे का जो कारण है वो है आपका कम शारीरिक परिश्रम, मनसानुक्रमी, आप सभी को मैं बता ही चुका हूँ। अगला है कि भूख को फरी मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तली भोजन होता है उसको छोड़ देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए आपको बताना है, ठीक है, को तैलीय भोजन बंद कर देना चाहिए, यानी कि तले वाले भोजन ध्यान रखना है, सही जवाब इसका हो जाएगा बा नंबर। अगला कि भूख को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो है लेप्टिन, ओके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है, जबकि डॉट 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 सामान्य से अधिक शरीर के वजन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर भरा जाएगा भैया पहले वाले जो गैपिंग है यहाँ पर मोटापा भरा जाएगा और यहाँ पर भरा जाएगा अधिक वजन, ठीक है। अगला है कि विश्व में मोटापे का प्रतिशत कितना है।
तो विश्व में जो मोटापे का प्रतिशत आपको बताना है, इसका जो प्रतिशत है चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मालूम है तो आप सभी को। 13%, तो इसका मतलब हो गया कि 100 लोगों में से ठीक है 13 लोगों को मोटापे की समस्या, मोटे हैं। ठीक है, अगला है कि एक महिला को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है, उसके शरीर में कितने प्रतिशत वसा अधिक होती है तब? तो 30% ठीक है से अधिक होती है तब माना जाता है। अगला कि एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए किस चीज़ के लिए? ध्यान रखना है आपको एक अच्छे और परफेक्ट एक कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मान लीजिए कुछ भी हो, उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, और इससे होता ये है कि आपका जो है सख्त प्रशिक्षण बढ़ता है। ठीक है, और लचीलापन में वृद्धि करने के लिए खिंचाव, हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण, ये सभी चीज़ें होती हैं। सही जवाब हो जाएगा धन नंबर। ठीक है, अगला कि क्षुधा अभाव की विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन बहुत कम आता है, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। अगला कि व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित होना चाहिए वो है फेफड़ों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, मांसपेशियों का तनाव। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त से सभी। तो आपको इसी तरह आप परीक्षा देने जाएंगे, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको तैयार कर लेना है। पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, और तो वहाँ से मैसेज करके आप पीडीएफ ले लीजिएगा। और बाकी मैं आपको एक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, जिसको आप परीक्षा में अप्लाई करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि मोटापे से बचने के लिए, फिर तरह क्वेश्चन आएंगे मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए, तो अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप क्या करेंगे बताइए। ठीक है, समस्या में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक और प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहीं पर ये लिखा कि व्यायाम को समान रूप से प्रतिशत के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें एक सम्मिलित होना चाहिए, क्या सम्मिलित होना चाहिए? ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर इसका दा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इसी तरह आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चनों के मतलब कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके इसी तरह 4 ऑप्शन होंगे, और जिन जिन ऑप्शनों में से मतलब कि जिन जिन ऑप्शनों में उपयुक्त में से सभी या फिर लास्ट वाला दा नंबर ही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट वाला ही आपका ज़्यादातर सही होता है। उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, यही वाला आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें लास्ट में उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, इसी पर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाले सिलेक्ट होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, और एक और बात है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और 3 नंबर पर लिख दिया गया कि आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? ठीक है, आपको पता है तो इन तीनों, पहले तो दोनों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यही वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि आ और बा दोनों सही होंगे। ठीक है, तो आपको सही करना है 7 नंबर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये अपना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगर नई वीडियो में। जय हिंद।